वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। तो आज मैं आ गया हूँ अपने दूसरे अकाउंट पे जो है डार्क मॉन्स्टर 2। तो आज हम लोग क्या ट्रेन ओ भाई सब 200 ट्रेन नहीं करें हम लोगों ने। हाँ तो भाई आज हम लोगों ने दिया अपने ट्रेनिंग पोशंस और हम लोग आज करने वाली ट्रैक मम्मी भाई सब कुछ भी नहीं हम लोगों के पास। यहाँ पे कुछ मतलब एक जम्स डोनेट कर देंगे। वहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें भी जो थी दे दी हैं। और भाई साहब और बताओ कैसा चल रहा है आप सब लोगों का दिन आजकल। और भाई साहब जैसा भी चल रहा हो कमेंट डाउन। तो यहाँ मोटर को हम लोग अपडेट पे लगा देंगे। तो अभी अभी हम लोगों का इस आईडी से TH8 हुआ है। तो भाई साहब क्या बताएं हो रहा है यहाँ पे हम लोगों का ड्रैगन अटैक। तो बेसिकली देख लिया होगा आप लोगों ने तुम लोग आज ड्रैगन अटैक ही करने वाले हैं। और बेसिकली मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आज हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। आज जो हमारा अटैक होगा बहुत हटके होगा। मैं एक अटैक आपको दिखा देता हूँ भाई। ये अटैक्स नहीं दिखा रहे हैं गलत चीज़। तो ये है हमारा जो अटैक जो हमने किया था टाउन हॉल 8 का मैक्स बेस था। अब देखो भाई साहब मैं एकदम अच्छे से समझा देता हूँ तो उनको यहाँ पर रोक के। तो मतलब देखो भाई साहब बेस बहुत अच्छा था, मतलब बहुत बुरा बेस नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था बेस। मतलब टाउन हॉल 8 के हिसाब से पूरा मतलब पूरा मैक्स था वॉल्स छोड़ के। पर वॉल्स हम लोगों को क्या है, मतलब वॉल्स हम लोगों के लिए कुछ करनी पड़ती क्योंकि बेसिकली हम लोगों को एयर अटैक कर रहे हैं और हमारे पास सीसी में भी हॉग्स हैं, बाकी किंग को दिक्कत आती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो नए स्पेल्स आए हैं भाई साहब इतने ज़्यादा ओपी हैं, मतलब इनका यूज़ जो है आप लोग खुद ही देखिए। एक यहाँ पे मैंने 2 स्पेल्स डाले और दोनों साइड में मैंने 2 स्पेल्स डाले। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे टाइम पास टाइप से कर रहा था, लेकिन पर आप लोग चाहें तो चार क्या कहते हैं इनको लाइटनिंग स्पेल से एक आप वो तोड़ सकते हैं इसको जो कुछ भी कहते हैं यार। ओ भाई नेट की दिक्कत आ रही है, मतलब एयर डिफेंस आप तो नेट की दिक्कत तो चली गई। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने डाल दिया 4, मतलब टोटल मेरे पास 8 थे, सीसी का भी एक था मेरे पास तो वो डाल दिया मैंने। और यहाँ पे हॉक्स मैंने डाल दिए और हॉक्स बेसिकली मैंने इससे डाल दिए जिससे कि जो एयर डिफेंस क्लियर हो जाए। भाई एयर डिफेंस ड्रैगन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और हॉक्स ने तो एक एक्सटर्नल डिफेंस भी निकाल ली यहाँ पे जो था हमारा क्या कहते हैं बॉम्ब टावर। और बेसिकली यहाँ पे ये थोड़ा सा बिजी था, मतलब कंस्ट्रक्शन पे था जो एयर डिफेंस होती है तो उसका भी एडवांटेज मिल गया। बाकी तो भाई साहब आपको कहीं से भी एक साइड से थोड़ा सा फनल करके टेस्ट डाल देने की पूरे बेस में फैल जाए इक्वली। देखो जैसे कि यहाँ पे हुआ है पूरी तरीके से यहाँ पर जो ड्रैगन्स हैं एकदम अच्छे तरीके से फैल गए हैं देखो। और बेसिकली इस पूरे में सिर्फ 2 ही दिक्कतें थी हमारे पास, वो थी आर्चर टावर्स 1, 2, 3, 4 जो थे और तीनों की तीनों विजर टावर्स अभी ज़िंदा थे। और पर भाई ड्रैगन्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आप उनको एकदम ढंग से यूज़ करो तो वो आपको 3 स्टार आके देंगे भले ही TH8 या मतलब आपका जितना भी टाउन हॉल है अगर आपने ढंग से यूज़ करा है उनको तो वो आपको 3 स्टार ला के ही देंगे। तो यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे मेरे 4 ड्रैगन्स बन जाएंगे एंड में। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो मतलब देखो भाई साहब कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे, मतलब देखो पूरी जगह पे यहाँ पे हर तरफ फैल गए ड्रैगन्स। 2 ड्रैगन्स कोर में चले गए हैं और बाकी यहाँ पे स्पीड थोड़ी स्लो करता हूँ। अब देखो भाई साहब यहाँ पे तसला फार्म निकला था, बहुत दिक्कत दे रहा था। एक ड्रैगन ने दो तसला निकाले और एक ड्रैगन ने एक तसला। यहाँ पे कुल मिला के 5 ड्रैगन्स बचे थे हमारे पास, अब 4 हो गए। अब बेसिकली यहाँ पे किंग मेरे को पता था कि बहुत टाइम लेगा बिल्डिंग को तोड़ने में तो इसलिए मैंने डाउन कुछ बचा नहीं था तो इसलिए मैंने कैनन डाल दी। तो किंग मैं जानता हूँ इतना पावरफुल तो होता ही है। तो अभी भी 4 ड्रैगन्स बचे हैं जिनमें से एक की हेल्थ कम है और बाकी की हेल्थ फुल है। तो मतलब देख लो भाई साहब कितनी ज़्यादा पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी है, मतलब एकदम फाड़ के रख दिया और पूरा मैक्स बेस था। और यहाँ पे मैंने स्पेल ले रखा था क्योंकि मेरे 2 मैक्स नहीं थे ऑब्वियसली। भाई मतलब क्या कर सकते हैं यार, नहीं थे तो भाई नहीं है। अभी नया नया टाउन लेट पे आया हूँ मैं तो वॉर में बेसिकली मेरे को अटैक करना था इसलिए। तो यहाँ पर तो ये कर लिया हम लोगों ने, रिक्वेस्ट सेंड कर दी है और 4 मिनट में वो भी हो जाएगा। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ, एक लाइव अटैक भी करेंगे वैसे हम लोग। और मैं आप लोगों Few moments later. तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग थी वो हो चुकी है और यहाँ पे अच्छा सा बेस हम लोग फाइंड करेंगे।
ओके सो यहाँ पे 20 आ चुका है। ओ तो भाई इस पे करा जाए या ना करा जाए? नहीं भाई, एयर डिफेंस थोड़ी सी कोने में होनी चाहिए वैसे। ओके ओके तो भाई साहब नेटवर्क एरर थोड़ा टाइम पे आ रहा है, रुके गया। सो बेसिकली TH8 भी करना है, ये वाला याली बेस में हम लोग फिर भी कर सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है। सो जी हाँ गाइस, याली बेस में हम लोग करने वाले अटैक। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगी चार ये वाली स्किल्स, 1, 2, 3 और 4। बूम, एक गया, 1, 2, 3 और 4। बूम। सो यहाँ पर से तो काफ़ी अच्छा अटैक हो गया है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा ड्रैगन, जिससे कि जो बेसिकली ये है हमारे क्या कहते हैं, अचार टावर, आई मीन हाँ अचार टावर। अच्छा टावर नहीं, हम लोग इसको अचार टावर बोलेंगे आज से। वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कम ऑन भाई, एयर डिफेंस निकाल लो। ओके गाइस, तो मैं अभी से कह दे रहा हूँ ये अटैक 3 स्टार होने वाला है, कि भाई ड्रैगन इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना भाई, उनको सिर्फ एयर डिफेंस हो सकती है, जो साफ बात है। मतलब मैं उस तरीके से ड्रैगन की बहुत ज़्यादा, ओ भाई 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 भाई, हॉर्स 4 मतलब 5 हॉर्स ने 1, 2, 3, 4 चार बिल्डिंग्स निकाल दी। ओ भाई साहब, सो ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, नहीं, यहाँ पे आएगा हमारा एक और ड्रैगन। तो बेसिकली हम लोग इधर की साइड से हल्का सा करेंगे अटैक। ओके ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ठीक है भाई, सारे ड्रैगन डिप्लॉय कर दिए, पूरी बेस में फैलने वाले ड्रैगन्स। और यही मेन चीज़ होगी आपकी, जो अटैक करेंगे आप उसमें मेन चीज़ आपको यही ध्यान में रखनी कि आपके जो ड्रैगन है वो हर हर डायरेक्शन में फैले। और मेरे ख्याल से तो ये 3 होना चाहिए, टाइम कम है थोड़ा सा, मतलब मानता हूँ मैं, पर भाई हो तो जाना चाहिए, क्योंकि देखो ड्रैगन से पूरी तरीके से फैल गए हैं। देखो भाई साहब, होगा तो टाइम इशू होगा, तो ये तो 3 है, मतलब देख लो कितने सारे ड्रैगन बचे हैं, 8 ड्रैगन बचे हैं, 8 या 9, 8, 8 ड्रैगन मर जाएगा यहाँ पे। तो भाई मतलब समझ जाओ भाई, बहुत अच्छी स्ट्रैट, बहुत मतलब पावरफुल भाई। बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना मरना है, एबिलिटी बाहर जाने से रोक के। अरे भाई भाई भाई, पीछे ही पड़ गए तो बाहर जाने के लिए। ओके सो यहाँ पे बाहर जाने से रोक लिए, तो बेसिकली इधर की साइड से पूरा आ जाते हैं हमारे ड्रैगन्स। तो यहाँ बाहर जाने से रोक लिया, बहुत अच्छा अटैक हो रहा है अभी तक का। और भाई 3 निकल गया, OP, सुपर OP, मतलब भाई इतना प्यारा अटैक हुआ ये तो, मतलब देखो यार, मतलब मज़ा आ जाती है, मतलब अंदर से फीलिंग आती है कि वाह मोदी जी वाह। तो यहाँ पे हम लोग अभी रिक्वेस्ट कर देंगे थोड़ी देर बाद। नहीं भाई, मेरे ख्याल से इतना आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। एक रिप्ले हम लोगों ने देखा और एक लाइव अटैक किया। और भाई साहब मतलब आप लोग प्लीज़ ट्राई करो, फिर मेरे बताओ कि ये अटैक सर जी आपको कैसी लगी। मुझे तो भाई साहब, मेरे तो मतलब फेवरेट है। यहाँ पे ट्रेजरी है, यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। और आप लोग मेरे को सजेस्ट करना कि अगली बार हम लोग अपनी बैटल मशीन को अपग्रेड करें या तो फिर हमारे किंग को, क्योंकि देखो भाई सब दोनों के लिए मेरे पास, मुझे लग रहा है पैसा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन अटैक कर रहे, कुछ डार्क एलेक्सर नहीं ले रहे, तो फार्मिंग बहुत अच्छे से हो रही है डार्क एलेक्सर की। तो भाई एलेक्सर की तो फार्मिंग ड्रैगन अटैक से नहीं हो पाती, पर वो भी हम लोग कर ले रहे हैं भाई साहब। ये देखो दो, इसमें है 3 लाख एलेक्सर, 3 लाख, 3 लाख 27 हज़ार। तो मतलब भाई मैं दूसरी और आर्मी से भी ट्राई करता हूँ, ये भी एक आर्मी है वल्केरी और पिका की, बहुत लोग ट्राई करते हैं मतलब इसको। तो ठीक है भाई साहब, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा भाई साहब इस वीडियो के लिए। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना तो प्लीज़, सब्सक्राइब कर देना यार, करते नहीं हो यार, प्लीज़ कर देना, और कमेंट डाउन। और भाई साहब एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, सॉरी सॉरी, कि पिछली वीडियो में मैंने एक गलती कर दी थी, कि मैंने जो बेसिकली जो नए ट्रूप्स थे, नए ट्रूप्स जो आए थे उनके उनके बारे में नहीं किया। तो ये तो मेरे ख्याल से मैं अभी डाल दूंगा अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। अरे बाय बाय।